दिवस की बात है, इस वर्ष भी वेबर में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह में हजारों की संख्या में दसवीं बारहवीं ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट ऐसे छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने अपने क्षेत्र, अपने विद्यालय और अपने परिवारिक जनों का नाम रोशन करने का काम किया। यह तस्वीरें प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी आयोजित किए गए मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान समारोह की तस्वीरें हैं। देवास नगर पंचायत की अध्यक्षा सुनीति गुप्ता भाटिया की ओर से प्रतिवर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडिएट की परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत और सम्मानित करने का काम किया जाता है। लगातार 10 वर्षों से इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की जाती है, जिसकी तस्वीरें आपके सामने है। यह 10वां आशीर्वाद समारोह आयोजित किया गया था, जिसमें 1000 से अधिक ऐसे छात्र छात्राएं जिन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपने क्षेत्र, विद्यालय और परिवारिक जनों का नाम रोशन करने का काम किया। ऐसे छात्रों का सम्मान बनता है और ऐसे छात्रों के सम्मान में वेबर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में भोगांव विधानसभा के वर्तमान विधायक व पूर्व उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री पंडित राम नरेश अग्निहोत्री मौजूद थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, राहुल राठौर समेत तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता और पदाधिकारियों की मौजूदगी थी। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर किया गया, जिसके बाद यहाँ सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित करने का काम किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। वहीं पूरे कार्यक्रम को लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि द्वारा क्या कुछ बताया गया, यह भी देखिए। सभी छात्र छात्राओं, उनके माता पिता, उनके गुरु को बहुत बहुत आदर से अभिवादन करता हूँ, उनका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अपने छात्र छात्राओं के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि वह नगर का नाम रोशन करके हम सबको प्रकाशित करें। लगभग कितने बच्चों को यहाँ सम्मान? लगभग 1000 बच्चों का हमारा वंदन 8:30 से कल शाम तक मेरे पास मार्कशीट जमा हो गई थी, और अभी आज जो कार्यक्रम चल रहा है तो कुछ बच्चों ने अभी जमा किए हैं, लगभग 1000 का हमारा वो पहुँचेगा।